बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम बना रहे हैं बहुत ही डिलीशियस फ्रूट एंड नट्स का क्रीमी कस्टर्ड, जो बहुत मज़ेदार बन के तैयार होता है और बहुत ही सिंपल सी इसकी रेसिपी है। तो चलिए देखते हैं इसकी यमी सी रेसिपी। वन फिफ्टी ग्राम ली है हमने पाउडर शुगर, दूध लिया है हमने 3 मग ले लें, 2 हमने केले लिए हैं पके हुए, 3 टेबलस्पून हमने लिया है कॉर्नफ्लोर, 2 एग योक लिए हैं हमने, एग वाइट अलग कर लिया है, 1 टेबलस्पून लिया है हमने बटर, थोड़े से नट्स ले लें आप अपनी चॉइस के और इन्हें रोस्ट कर लें, और 2 पैक लिए हैं हमने बिस्किट के, चॉकलेट बिस्किट लिए हैं हमने, आप अपनी पसंद से किसी भी टाइप के बिस्किट ले सकते हैं, और क्रीम ली है हमने 200 ml। चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। ज़िपलॉक बैग में कर लिए, अब इन्हें हम क्रश करेंगे। इस तरह से इन्हें थोड़ा सा क्रश कर लेंगे। क्रश कर लिया है, अब हम ड्राई फ्रूट्स भी इस बैग में करके क्रश कर लेंगे। हमने क्रश कर लिया है, इसमें हमने 3 तरह के ड्राई फ्रूट्स लिए थे, काजू, बादाम और पिस्ते, आप अपनी चॉइस से कोई भी ले लें। अब हम एक पैन ले लेंगे हैवी बॉटम, और उसमें डालेंगे पाउडर शुगर, चीनी हमने इसमें डाल दी। अब इसमें हम डालेंगे दूध, इसे मिक्स करेंगे अच्छे से, फिर इसमें डाल देंगे हम एग योक, अब इसमें बटर डालेंगे, हमने थोड़ी सी ली है इसमें हरी इलायची क्रश हुई हुई, ये हम आपको दिखाना भूल गए थे पहले, ये इसमें डालेंगे बटर और हरी इलायची। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, स्लो हीट पे इस मिक्सचर को आराम से चलाते हुए पकाएंगे। इसे बहुत ज़्यादा ना चलाएं और बहुत तेज़ ना चलाएं, हल्के हल्के इसे स्टर करते रहें। इसे हीट हमने स्लो रखी है, अब इसे हम थिक होने तक पकाएंगे। देखिए बटर मेल्ट हो चुका है और हमने गैस की फ्लेम थोड़ी सी बढ़ा दी है, मगर अब इसे हम कंटिन्यूसली स्टर कर रहे हैं। इसे आप बराबर चलाते रहें ताकि ये नीचे जमे नहीं या इसमें लम्स ना पड़े। हल्के हाथ से इसे चलाते हुए हम पकाएंगे जब तक ये थोड़ा सा थिक ना हो जाए। देखिए हमें इसे पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अब ये अच्छे से थिक हो चुका है, हमने फ्लेम ऑफ कर दी। हमने जो मिक्सचर तैयार किया था ये कस्टर्ड टाइप हो गया और थिक हो गया है, हमने इसे गैस पे से उतार लिया है। अब इसे हम रूम टेम्परेचर पे ही थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, तब इसमें क्रीम मिक्स। हमने इसे मिक्स कर लिया, अब इसमें हम डालेंगे बहुत हल्का सा ग्रीन फूड कलर, बस 1-2 ड्रॉप, बस थोड़ा सा डालेंगे ताकि इसका लाइट ग्रीन कलर आ जाए। देखिए इसका कितना अच्छा कलर आया। ग्लास ले लिए, जो भी आप लेना चाहें, जिसमें भी आप इसे असेंबल करें इस तरह से। इसमें हम नीचे लगाएंगे पहले केले, इसको ऊपर से डालेंगे कस्टर्ड, इस पे डालेंगे क्रश्ड बिस्किट, ड्राई फ्रूट जो हमने क्रश करके रखे थे वो डालेंगे, फिर इस तरह से इन्हें साइड में लगाएंगे। इसमें डालेंगे हम कस्टर्ड, ये बहुत जल्दी बनने वाला और इतना ही मज़ेदार है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा ही डालेंगे
और थोड़े से डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। आप किसी भी तरह से जैसे आपको पसंद हो इसे डेकोरेट कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इस पर डालेंगे हनी, ये ऑप्शनल है अगर आप चाहें तो। इसे इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो देखिए ये हमने डेकोरेट कर लिया है। देखिए हमारा बहुत ही डिलीशियस नट्स एंड कुकीज़ का ग्रीन कस्टर्ड बनके तैयार है, जो बहुत यमी बना है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और अपने अकॉर्डिंग आप इसे डेकोरेट करें। हमने इसे इस तरह से ग्लासेस में निकाला है और ये बहुत अच्छा लग रहा है। हमें उम्मीद है कि आपको ये स्वीट डिश ज़रूर पसंद आई होगी। किसी अच्छी सी डिश के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।